पूरी दुनिया इस समय युद्ध की चपेट में है। हालांकि युद्ध कुछ देशों में ही हो रहा है, लेकिन असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन तो दूसरी तरफ चीन ताइवान के बीच तनाव जारी है। फिलहाल तो जमीन, समुद्र और हवा के माध्यम से लड़ाई चलती है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि अब अंतरिक्ष की लड़ाई लड़ी जाए। संभव है कि आने वाले समय में धरती का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स को निशाना बनाया जाए, इसको लेकर युद्ध हो। इन सैटेलाइट्स पर हमारी जिंदगी बहुत कुछ निर्भर करती है। ये सैटेलाइट हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं। एटीएम से पैसे निकालने से लेकर टेलीफोन और इंटरनेट तक इससे चलते हैं। इस पर अगर हमला हुआ तो हम कई सौ साल पीछे जा सकते हैं। युद्ध वाले देश एक दूसरे के सैटेलाइट्स को मार गिराने के लिए एंटी सैटेलाइट हथियार बना चुके हैं, और ये सब होगा एंटी सैटेलाइट हथियार से। एंटी सैटेलाइट हथियार बनाने की रेस 1957 में शुरू हुई, जब अमेरिका ने पहला ASAT बनाया था। ये हवा से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसका नाम था बोल्ड ओरियन। इसके बाद सोवियत ने एंटी सैटेलाइट हथियार बनाया, इसका नाम रखा गया को ऑर्बिटल्स। ये हथियार अपने और दुश्मन के सैटेलाइट के साथ साथ उड़ते रहते हैं, जरूरत पड़ने पर ये खुद ही फिट हो जाते हैं। इस रेस में चीन कहां पीछे रहने वाला था, तो चीन ने साल 2007 में अपने बैलिस्टिक मिसाइल से अंतरिक्ष में अपने पुराने मौसम सैटेलाइट को उड़ाया, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में काफी ज्यादा कचरा फैल गया। इसके बाद भारत ने साल 2019 में मिशन शक्ति योजना के तहत अपने पुराने सैटेलाइट को बैलिस्टिक मिसाइल से मार गिराया था। हालांकि अमेरिका और रूस ने आपस में ये तय किया कि वो एंटी सैटेलाइट हथियार को खत्म करेंगे, ताकि परमाणु हथियारों के जंग से राहत मिल सके।